तो अभी चंद्रयान में हम चढ़ के चांद पे जाएंगे, तो भाई आप चंद्रयान देख सकते हो, हमने लाइव देख लिया। तो फुरकान भाई क्या बोलना चाहोगे आप चंद्रयान के बारे में? मुझे लग रहा है सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। तो क्या हाल चाल है सभी के? तो मेरी तरफ से सभी को हर हर महादेव। तो गाइस जस्ट मैं अभी उठाऊँ और उठने के साथ ही मैं लगाऊंगा अपना फ़ोन चार्जिंग पे, क्योंकि मैंने फ़ोन उठते ही देखा है और ये सिर्फ 30% है, क्योंकि यार मेरा फ़ोन है ओप्पो का भाई, पर फिर भी यार आईफोन से ज़्यादा बैटरी बैकअप है इसका। तो गाइस ये भी मैंने नया लिया था अभी कुछ ही एक दो महीना पहले, जब मैंने ब्लॉग शुरू किया था। तो गाइस अभी मैं जाऊँगा क्या बोलते हैं ग्राउंड में, तो फ़ोन लगा दूंगा चार्ज, क्योंकि फ़ोन मेरा डेड है। तो क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोज़ बनाते तो उतने ज़्यादा ये मतलब बैटरी कंजर्वेशन होती है, इसकी कंजप्शन होती है। तो गैस अभी का कुछ सीन ऐसा है ना, मैंने पिया है पानी, क्योंकि सुबह उठते साथ एक से आधा लीटर पानी पीना चाहिए खाली पेट, क्योंकि उससे क्या होता है जितनी आपकी पेट की इन्फेक्शन होती है वो सारी क्या है बाहर आ जाती है। तो गैस चलता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद, फिर जाऊँगा ब्रेकफास्ट करने, फिर ले जाऊँगा मैं फ़ोन अपने साथ। तो गैस अपना भी ध्यान रखें, अपने नेबर्स का भी ध्यान रखें, और गैस सपोर्ट करो यार, ताकि मैं ओप्पो से आईफोन में कन्वर्ट कर सकूँ जल्दी से जल्दी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ग्राउंड में की तरफ, हो रही है हमारा फ्रेंड हमारे सिविल डिपार्टमेंट का भाई, सारे ने राम राम कर दिया। सच में क्या ब्लॉग बन रहा है, काय का ब्लॉग बन रहा था, अभी तक नहीं पता है नहीं, और चैनल खोला है सब्सक्राइब, क्लास के बच्चों को नहीं पता है बोल YouTube खोला क्या करता ना, बोलना नाम तो बोल दे, तरुणत्री ब्लॉग्स डाल ना सामने आ जाएगा भाई। अपने क्लास के फ्रेंड्स को नहीं पता अभी तक हम ब्लॉगिंग करते हैं। वही कॉलेज के अंदर जा रहे थे, यहाँ पे कैमरा बंद करना पड़ेगा। सो गाइज इसके बाद मैं आ गया था बॉक्स क्रिकेट का मैच देखने, क्योंकि हमारे ग्राउंड में चल रहे थे बॉक्स क्रिकेट के मैचेस, जो कि मैंने आपको पहले पहले ब्लॉग में भी बताए थे। तो गाइज आप करिए इंजॉय इसको टाइम्स लैप में, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे ये देख देख के, तो इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और म्यूज़िक ऐड कर दिया, तो इन्जॉय कीजिए। तो गाइस हमारा यहाँ पे पुरुषोत्तम भाई आ चुका है, पुरुषोत्तम भाई आप देख सकते हो, पुरुषोत्तम भाई आज तैयार श्यार होकर आए हैं। पुरुषोत्तम पूरी ड्रेस दिखाना, वहाँ पीछे जाके, पीछे जाके पूरी ड्रेस दिखाना, पीछे हो ना थोड़ा, अरे पूरी ड्रेस दिखा, अरे पीछे से आगे से ऐसा दिखाना, पीछे से घूम घूम ना, अरे घूम, अरे जैसे मॉडलिंग करते हैं घूम उधर, तो गाइस कमेंट में हमें बता देना कि पुरुषोत्तम की ड्रेस वो कैसे लगी, कैसे कर दिया बताना जरा कैमरे में, अरे बताया अभी होगा 12 बजे मैच स्टार्ट, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस के बाद हो चुका था हमारे बॉबी भाई का मैच स्टार्ट, तो ये है बॉबी भाई हमारे सीएससी डिपार्टमेंट के 4th ईयर के स्टूडेंट, तो भाई हमसे तो सीनियर है, तो ये सारे ही इनके फैन बन चुके थे भाई, ग्राउंड में तो सिर्फ बॉबी भाई हो रहा था, तो हम भी इंजॉय कर रहे थे इनका मैच, क्योंकि इनकी जो बॉलिंग थी ना यार वो अलग ही किस्म की बॉलिंग करवा रहे थे, और इतनी तेज़ फेंक रहे थे कसम से यार, बहुत मज़ा आ रहा था इनकी बॉलिंग देखने के बाद। तो हमने की थोड़ी देर इनकी बॉलिंग इंजॉय और इनका मैच इंजॉय, और ये जीते भी बेचारे, बट फाइनल्स में सेमीफाइनल्स में आके हार गए, और इन
तो गाइस वहाँ से फ्री होकर हम आ गए रोबोटिक्स में। यहाँ पे क्या किया था लड़कों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे कॉलेज के, तो ये अपने अपने वेस्ट मटेरियल से सबने अपने अपने रोबो बनाए थे और उनका यहाँ पे कंपटीशन कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो हमने भी यहाँ पे इंजॉय किया। इंजॉय करने के बाद फिर हम गए थे, फिलहाल तो हमने ये सॉकर देखा, यहाँ पे कार का सॉकर होता क्योंकि इसमें बीच में बॉल रख कर ना तो एक दूसरे से लड़वा रहे थे उनको। हम भी इंजॉय कर रहे थे, आप देख सकते हो यार कितना माहौल बना हुआ था यहाँ पे। तो ये हमारा रोबोटिक्स का सेक्शन था। फिर उसके बाद हम गए आगे की तरफ, मैंने फुरकान को बोला चल आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा सिविल डिपार्टमेंट सामने जो दिखा आपको। तो भाई इसी के साथ हमने इंजॉय किया थोड़ा बहुत और फिर निकल गए हम वहाँ से वापस। तो मैंने फुरकान को बोला चल चलते हैं, तो फुरकान कहता चल पहले आगे जाएंगे, फिर हम आगे की तरफ गए। आगे वैसे हमें कुछ खास लगा नहीं, तो मैंने उसको बोला चल वापस ही चलेंगे यार, कुछ है नहीं यहाँ पे देखने वाला। तो मैं और फुरकान और सभी आ गए थे अपने रूम में वापस। ये देखो फुरकान मुझे बोल रहा है चलो वापस, तो हम वापस आ गए। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने अंदर, और अंदर देखो महफिल हमारी पकी हुई है बहुत जबरदस्त वाली, और ये हमारा गहरा भाई हेडफोन लगा के। ओहो क्या बात है, ये एक ऐसा बंदा है ना, आज मैं आपको वीडियो में रिवील करके बताता हूँ, ये एक ऐसा बंदा है, इसने पता क्या किया है, मेरे थे कितने 184 सब्सक्राइबर्स, तो रोज मैं देखता हूँ 183 होते हैं 184 होते हैं 183 होते हैं 184 होते हैं भाई, यही हो ये फुरकान, इसने मेरे को बताया भाई। तो फोन चेक कर जरा प्रशोभन को जाके, जब मैंने इसका फोन चेक किया इस बंदे का भाई, इस बंदे का तो इसने अनसब्सक्राइब किया हुआ मेरा चैनल। आपने देखा ना होता है भविष्य, तो भाई ये वही भविष्य है। तो बताइए आप गाइस ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। तो गाइस मिलता हूं आपको थोड़ी देर के बाद, अभी चला मैं नहाने, यहां गेट के बराबर है, हमें बैठना पड़ेगा। आप देख सकते हो हमारे यहाँ पे लगा है कॉलेज का, कौन सी मंजिल बन रही है ये हॉस्टल की, फिफ्थ फ्लोर बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा है ना, ना। तो भाई ये रही हमारी क्या बोलते हैं उसको, सेवपुरी। सो हे गाइस अभी आ चुके हैं हम अपना नाश्ता करके। तो नाश्ता करने के बाद अभी हम आए हैं कॉलेज के अंदर, और कॉलेज का लगा रहे हैं टूर। तो ये हमारा कुछ कॉलेज यहाँ पे चल रहा है फंक्शन या वीडियो दिन 2024। तो गाइस आज जो है वीडियो दिन वो ख़त्म हो चुका है, अब जो है 12 से क्रीडाइन शुरू हो जाएगा हमारे कॉलेज में। क्यों भाई ओ कहाँ जा रहा है, इधर बंद करेंगे वो पिच बन रही है ना, ग्राउंड साफ करेंगे वो इशू है, मैंने बोला जाओ वहीं पे करो। सो गाइस ये देखो चंद्रयान, अभी तो अभी चंद्रयान में हम चढ़ के चांद पे जाएंगे। तो भाई आप चंद्रयान देख सकते हो, हमने लाइव देख लिया। तो फुरकान भाई क्या बोलना चाहोगे आप चंद्रयान के बारे में, ये लग रहा है ये पहला चंद जा रहे हो जो सक्सेसफुली ऊपर जाएगा। हाँ जैसे देख रहे हैं आप टायर जो है एल्यूमिनियम के, बहुत ही हार्ड है, जब ये चंद्रयान पे जाएंगे तो 10-15 लोग इस पे बैठ के चल सकते हैं वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, हमें पता नहीं चलेगी तब भी वहाँ जोड़ेगी नहीं। और ये डब्बा है जिसमें हम दो लोगों को अंदर फेंकेंगे फिर पेड़ से फेंक देंगे, बस ये ज़्यादा हो गया, रस्सी दी है, ये रस्सी दी है इससे वो ऐसे करेंगे फिर उसको वापस ले आएंगे। सॉरी ये इसे फटा हुआ है, दो तीन गिर सकते हैं तो, लेकिन रिस्क तो है थोड़ा सा, लेकिन रिस्क में इश्क है। हमें मिल गया हमारा एस्ट्रोनॉट जो अब की चांद में जाने वाला है, तो कमेंट में बता देना कैसा लगा। हमें बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मिला है, लड़कियां नाच रही हैं, हम जा रहे हैं गाने देने, हम जा रहे हैं उंगल देने के लिए। आज
हे गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ डिनर करके अंदर। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इसी के साथ चैनल कर देना लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव सभी को। गाइस, इसी के साथ चैनल कर देना लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में और अच्छे कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव सभी को।